चार नंबर का है धंधा मेरा। बोलो क्या करना है तुम्हारे लिए? हमें तुम लोगों के ग्रह पर एक फैक्ट्री डालनी है, इसलिए जमीन चाहिए। वो तो ठीक है, कहाँ की चाहिए? पर रामपुर की चाहिए। रामपुर की नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, रामपुर के नहीं मिल सकते। अब क्या हुआ? तुम तो कोई भी जगह देने वाले थे हमें, बाकी किसी भी जगह पर हमला कर सकते, पर वहाँ पर नहीं, वहाँ पर चिंटू पिंटू है। चिंटू पिंटू, तो तुम हमारा काम नहीं करोगे? नहीं हो सकता, मैं उनसे पंगा नहीं लेने वाला। अरे अरे अरे, चुप जाओ चुप जाओ, रोना आया है उनका। वहाँ पर एक एलियन यूएफओ आ गया था। रुक जाओ, वो हमारी हथियार है, किसी को मारना होता तो उसे हम बुला लेते हैं। अरे यार, तुम पर हमला नहीं करने वाला, तुम जा सकते हो। उस गधे को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे मारने के लिए बुलाया गया है। जो हमारे साथ नहीं, उसको हम दुनिया में छोड़ते भी नहीं। उस बेचारे को वो लोग मार देते हैं। वो एलियन वहाँ पर तबाही मचाकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। वैसे वो काफी ताकतवर भी थे। देखते हैं वो चिंटू पिंटू हम लोगों से कैसे बच पाएंगे। वे लोग वहाँ पर तबाही मचा देते हैं, उस फैक्ट्री को बर्बाद करके वहाँ आग लगा देते हैं। चलना दोस्त, जल्दी जल्दी, बुड्ढे की तरह क्या कर रहा है भाई? बुड्ढा हो गया हूँ, रुक थोड़ा, आने दे मुझे। गांव का एक आम दिन था, सभी लोग अपने अपने काम पर लग चुके थे, बच्चे खेल रहे थे। अचानक वहाँ पर एक रोशनी आ गई। दोस्त देखना मुझे क्या हो रहा है। अरे मुझे भी कुछ तो हो रहा है। और गब्बर, अचानक से जमीन पर कैसे गिर गए? क्या हुआ तुम लोगों को? वे लोग जमीन पर गिर गए। वहाँ पर वो एलियन बेसिप भी है। और आपको क्या लगता है यह किसने किया होगा? जल्दी से जाकर कमेंट कीजिएगा। गांव वालों, तुम लोग सीधे सीधे आप मुझे जमीन दे दो, नहीं तो तुम्हारा यही हाल होगा। अरे नहीं, यह तो एक एलियन है, अब आप क्या करें? अगर अगले 10 सेकंड में यहाँ से नहीं गए तो मारे जाओगे सबके सब। यह हमारे घर है, इन्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तुम सीधे सीधे चले जाओ, नहीं तो हम चिंटू पिंटू को बुला लेंगे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं सुनने वाले। तब वो दोनों चाचा जी वहाँ से गायब होने लगे। अरे नहीं, मेरे दोस्त कहाँ चले गए? यह तो एक ट्रेलर था मेरे पावर का। तब अचानक से वो दोनों चाचा जी एक अलग ही रूप में बदल जाते हैं। अरे नहीं, अचानक से मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? बच्चे खेलते खेलते ही अपनी जगह पर जम गए थे। तुम लोग अब मेरे कंट्रोल में हो, जाओ चिंटू पिंटू को खत्म करके रखो। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ, यहाँ चिंटू पिंटू मरेंगे या गांव वाले, किसी भी हाल में मैं ही जीतूंगा। अरे नहीं, अब क्या होगा? कुछ दिन पहले इस स्पेसशिप से चिंटू पिंटू को कई दिन पहले सिग्नल्स भेजे गए थे। सर क्या लगता है इन एलियन लोगों ने क्यों बुलाया होगा हमें यहाँ पर? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी डील का ऑफर दे देंगे हमें। तुम दोनों ज्यादा सोचना बंद करो, चलो पेस के मजे लो, काफी दिनों बाद आए हैं। सर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की ना, मैं इन लोगों को सीधे मार दूंगा। ठीक है रोबोट, वैसे भी इसका इंतजाम किया ही है। तो चिंटू पिंटू कैसा रहा तुम्हारा सफर? कुछ नहीं, ठीक था। तो चलो सीधे मुद्दे पर ही आ जाता हूँ, तुम लोगों का जंगल चाहिए था मुझे। उनके बोलने से पहले ही बोल देता हूँ, नहीं मिलेगा। ठीक से सोच लो चिंटू पिंटू, क्या पता यहाँ से जाने भी में मुश्किल हो। बेटे कुछ भी कर ले, जंगल तो नहीं मिलेगा और जाने का इंतजाम हमने पहले से कर रखा है। चिंटू पिंटू ने तो हथियारों की सेना ही अपने साथ रखी थी, वो किसी पर भी किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। तो अब भी हमें रोकना चाहते हो? देख लेना फिर क्या होगा। तो तुम भी हमारे टक्कर के खिलाड़ी रखते हो, मजा आएगा तुमसे खेलने में। हाँ हाँ, ठीक से खेलना, खेलते खेलते जान ना चली जाए तुम्हारी। मस्त जोक था रोबोट, चलो निकलो मेरे पेशेंट से। हाँ हाँ जा रहे, तुम्हारे इस गंदे पेशेंट में रुकने का शौक भी नहीं हमें। चिंटू आज मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ तो हो रहा है। पिंटू कुछ नहीं हो रहा, चिल रहे तू, टेंशन मत ले। नहीं सर, सर सही कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ रोबोट, कहाँ है गड़बड़ बताओ? जिन एलियन को हम पेस में मिलने गए थे ना सर, उनके सिग्नल मिल रहे हैं। इस पेड़ में छुपकर उस लाल प्राणी के पास चले जाकर उसे खत्म कर दूंगा। चिंटू चलना जंगल में जाकर आ जाते हैं। तो वो दोनों पेड़ के सहारे रोबोट के पास आने लगे थे। अरे नहीं, यह क्या है? रोबोट पीछे देखो क्या है। वे उसे मारना चाहते थे। अरे यह क्या है और ये लोग यहाँ क्या कर रहे? रोबोट वो तुम्हें मारने वाले, उन पर वार करो जल्दी। तब अपने स्टाइल में रोबोट उन लोगों को उनको धूल चटा देता है। इनका क्या करूं सर अब,
रस्सी से बांध देता हूँ। हाँ हाँ बांधो उन्हें, क्यों हमला किया था उनसे पूछना है मुझे। उन दोनों को उन लोग रस्सी से कैद कर लेते हैं। कौन हो तुम लोग और हम पर हमला क्यों कर रहे थे? चिंटू पिंटू हमें बचा लो, हम जंगल की गाँव वासी है, हमें बचा लो। अरे नहीं, आप ऐसे कैसे हो गए और आपको ऐसा किसने किया? चिंटू पिंटू गाँव में कोई एलियन आया है, सबको बचा लो चिंटू पिंटू। तो अभी हम निकलते हैं, आपको भी ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है चिंटू पिंटू, तुम लोग जाओ, तुम लोगों पर भरोसा है हमें। चलिए सर, वो लोग बहुत खतरे में है लगता है, चलिए। तुम्हारे चिंटू पिंटू तो अभी तक नहीं है, लगता है उन लोगों ने उन्हें मार दिया। अरे नहीं, अब तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, अब हम क्या करेंगे? तब उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर चिंटू पिंटू एम्बुलेंस के साथ आ जाते हैं। वो एलियन तो उन्हें रोकने के बजाय उनके लिए रास्ता बना देता है। एम्बुलेंस अपनी पूरी गति के साथ गाँव वालों की मदद के लिए आगे बढ़ने लगी। अरे वाह चिंटू पिंटू, तुम लोग तो बहुत होशियार हो, डॉक्टर को भी लाए हो। अरे नहीं, इस गैस से वजह से तो हम ही मर जाएंगे लगता है। इस गैस की टेंशन मत लो, जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, चेकअप करो गाँव वालों का। रोबोट वो बहुत खतरनाक है, उस पर नजर रखना। ठीक है सर, मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ, जल्दी चाहिए, आप उनकी मदद कीजिए। यह सब देखकर चिंटू पिंटू और उस डॉक्टर को बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ डॉक्टर, क्या तुम बचा लोगे इन्हें? चिंटू पिंटू हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे, ऐसा कुछ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कभी। सर इसके स्पेसशिप को उड़ा देता हूँ, ये बता देगा अपने आप। नहीं रोबोट, यह कोई चाल चल रहा है, नहीं तो यह रुकता ही नहीं है। इन्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास दो उपाय, एक तो पहले इन्फेक्टेड गाँव वालों को खत्म कर दो, यह नहीं होगा, दूसरा बताओ। तो दूसरा यह है, अपने गवर्नमेंट से परमिशन ला कर यह जंगल मेरे हवाले कर दो। ठीक है, हम तुम्हें परमिशन ला कर दे देंगे। तो जल्दी जाओ, इन गाँव वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जाकर मेरे बेस पर आ जाना। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जल्दी से जाकर वीडियो के नीचे पार्ट टू कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। एक दिन एक खतरनाक स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह, ये प्लैनेट तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ कोई रहता होगा? अरे यार क्या करना है हमें, इसलिए कोई रहता होगा या नहीं इसे। तभी उन लोगों को एक बड़ी सैटेलाइट दिखाई देती है। ओ नो बॉब द डॉग, देख वहाँ पर सैटेलाइट है, सैटेलाइट। अरे वाह, यहाँ पर तो एक एलियन बेसी रहती है, चलो जाके देखते हैं। वहाँ पर जाने में मजा तो आएगा पर साथ में डर भी लग रहा है। फॉक्सी द फॉक्स, चल देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तब बॉब द डॉग और फॉक्सी द फॉक्स बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे और यहाँ गांव में चिंटू पिंटू में एक प्यारी सी लड़ाई हो रही थी। पिंटू हर बार का तुम्हारा यही नाटक है, कुछ भी तुम्हें पहले करना होता है आज मैं करूँगा। हर बार क्या हर बार, मैं भी देखता हूँ तो आज कैसे गाड़ी चलाता है। सर अचानक आप ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को क्या हुआ? चिंटू और पिंटू ऐसी लड़ाई मत करो, ऐसे अच्छे नहीं लगते तुम लोग। जॉनी एक बात तो सही है, इनकी लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। हाँ यार पैसा वसूल होती है इनकी लड़ाई। पिंटू तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तू मुझे चलाने देना। पिंटू अपनी बात नहीं बदलता कभी। चिंटू और पिंटू तुम यहाँ लड़ाई कर रहे हो और वो वकोर जॉनी तुम्हारे मजे ले रहे हैं। अरे नहीं, ये प्लेनेट तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ बहुत होशियार लोग भी होंगे फिर। ओ तेरी, पिंटू ऊपर तो देख स्पेसशिप है। जी सर, ये तो एक एलियन स्पेसशिप है और ये पृथ्वी पर क्या कर रही है? वो स्पेसशिप खुलेआम यहाँ वहाँ घूम रही थी पर उनकी तरफ अचानक एक मिसाइल बढ़ने लगी। वो उससे बचने की कोशिश कर रहे थे पर वो उससे बच नहीं पाते। बॉब द डॉग हमारा प्लेन तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लॉक्सी तुम चिंता मत करो, चलो जिस जगह भी लैंडिंग होती है होने दो। अरे नहीं, इस प्लेन पे तो किसी ने मिसाइल फायर कर दी, अब तो एक क्रैश होने वाला है। हाँ पिंटू तुम्हारी बात भी सही है, वो बहुत बुरी तरह क्रैश होने वाले हैं। तो चलिए सर निकलते हैं। पर यारो आप लोग कहाँ निकल रहे हो, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। सर वे लोग एक पृथ्वी नाम के प्लेनेट पे चले गए हैं और अब हम उन पर हमला नहीं कर सकते हैं। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। यह कैसा प्लान है आपका और यह क्या हो रहा है? हाँ मेरे से अब इंटेलिजेंट लोग नहीं बच पाएंगे। ऐसी बात है क्या, तो मैं भी अब तैयार हूँ रिसर्च करने के लिए।
ज्यादा दिनों तक मेरे से नहीं बच पाएंगे वो लोग। और यहाँ जंगल में उस ट्रेन की बहुत बुरी तरह क्रैश लैंडिंग हो जाती है। उस पर सभी तरफ आगे आग लगी थी और चिंटू और पिंटू अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा क्रैश हो चुका है, मुझे तो नहीं लगता कोई बचा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर चल एक बार रोबोट से जांच करवा लेते हैं। वो प्लेन बहुत बुरी तरह जल रहा था, वहाँ पर दो एलियन पड़े हुए थे, वे लोग जिंदा है या नहीं ये रोबोट पता कर रहा था। क्या हुआ रोबोट, ये लोग जिंदा तो है ना? हाँ सर, ये लोग जिंदा है, पर इन लोगों पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया था। अरे चिंटू, वो तो देखो वो लोग खड़े हो गए। तो तुम लोग हम पर हमला किया था, हमें पकड़ना चाहते हो? अरे आप गलत समझ रहे हो। हम सब कुछ समझ गए, तुम हमारे ऊपर रिसर्च करना चाहते हो ना? हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, यहाँ की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आप पर हमला किया था। हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हमें भी पकड़ लेंगे। मैं हूँ बॉब द डॉग और मेरा साथी है लॉक्सी, चलो हम तुम पर भरोसा कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से जाकर हमारे गाड़ी में बैठ जाओ। तब कोई आ जाएगा, इस डर से चिंटू पिंटू वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। रात का समय था, चिंटू पिंटू और वो एलियन लैब में थे, रोबोट गांव पर नजर रखे हुए था। अचानक गांव में एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है और वहाँ से जाने लगी। क्या हो रहा है रोबोट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वो एलियन स्पेसशिप बहुत आगे निकल जाती है। चिंटू पिंटू सर, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, कहाँ गए? अब वो स्पेसशिप पृथ्वी की रेंज से बाहर चली जाती है। अरे नहीं, जिन लोगों को हमने बचाया था उनके दुश्मन है लगता है, और वो चिंटू पिंटू को भी ले गए। उन लोगों ने चिंटू पिंटू को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। चिंटू पिंटू को होश नहीं था कि वो किस प्लेनेट पे है। देख लो साइंटिस्ट, हमारा प्लान कामयाब हो गया। जी सर, ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट भी है। चिंटू पिंटू उनकी सारी बातें सुन रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ सर, कल तक हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, कल से हम इन पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। जमकर रिसर्च करना, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। पिंटू, हमने जिन लोगों को बचाया था उन लोगों के ही साथी लग रहा है ये लोग तो। हाँ, पर हम हिल क्यों नहीं पा रहे, क्या किया होगा उन लोगों ने हमारे साथ। मुझे तो लगता है यही हमारा अंत है। बाय बाय पिंटू। कुछ देर बाद, चिंटू पिंटू मैं आ चुकी हूँ, ये तुम लोगों का अंत नहीं है। अरे वाह, आखिरकार हम खड़े हो गए, अब तुम कौन हो? मैं आना, और मैं भी पृथ्वी से हूँ, इन लोगों ने मुझे भी किडनैप किया था। हम लोग तुम पर कैसे भरोसा कर ले? तुम लोगों को मुझ पर भरोसा करना ही होगा, इसके अलावा तुम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, तब तक हमारा रोबोट भी आ जाएगा। तो चिंटू पिंटू तैयार हो एक रोमांचकारी सफर के लिए? तो चिंटू पिंटू उस एलियन प्लैनेट पे उस डुक डुक गाड़ी से निकल रहे थे। अरे नहीं, ये पृथ्वी के तो बहुत टेढ़े लोग हैं, है ना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोबोट जंगल में आ जाता है। अरे नहीं, इस स्पेसशिप पे तो कुछ भी नहीं है, उन लोगों को अब मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा। यह सब सोच कर रोबोट बहुत बहुत परेशान हो रहा था। और यहाँ चिंटू पिंटू उस प्लैनेट से बहुत दूर जा रहे थे। चिंटू पिंटू थोड़ा संभाल के, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है ना, हम लोग भी तैयार है, चलो यहाँ से जल्दी। क्यों है ना, फंस गई ना हमारे जाल में, हमसे बचकर कहाँ पर जाओगी? अरे नहीं, ये लोग तो एग्जैक्ट एक दूसरे के डुप्लीकेट है। हम दोनों का छोड़ो, तुम दोनों अपना सोचो। पिंटू, वो गद्दा देख जिसे हमने बचा था, उसे ने हमें फंसा दिया। चिंटू पिंटू, वो तो एक प्लान था, यह सब एक तुमको फंसाने के लिए जाल था, कोई भी उन पर अटैक नहीं कर रहा था। तभी अचानक चिंटू पिंटू की गाड़ी हवा में गोल गोल घूम रही थी। चिंटू और पिंटू, हम हमारे प्लेनेट पे कुछ भी कर सकते हैं। चिंटू, मुझे नहीं लगता अब हमारा रोबोट हमें बचा पाएगा। बाय बाय। बाय बाय चिंटू पिंटू, तुम्हारी बहुत याद आएगी।